पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली के नीतीश कुमार के दौरे के बाद से लगातार नए नए कयास लगाए जा रहे हैं। अपने दिल्ली दौरे में नीतीश की मुलाकात अखिलेश यादव के साथ विरोधी पार्टियों के तमाम नेताओं से हुई थी, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि अब नीतीश बिहार से बाहर निकलना चाहते हैं। तमाम राजनीतिक कयासों को जेडीयू अध्यक्ष 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी में सभी दलों से बात हुई है, सिर्फ यूपी में नहीं, अन्य राज्यों में भी लोगों से बात हुई है। माननीय शरद पवार जी से बात हुई है, माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी से बात हुई है, आपका तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री यहाँ खुद आए थे चंद्रशेखर राव जी, तो ये सभी लोगों से बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सीपीआई से भी बात हुई है, सीपीएम के लोगों से भी बात हुई है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश जी से बात हुई है, कांग्रेस पार्टी के माननीय राहुल जी से भी बात हुई है, उनकी सोनिया जी भी जब आ जाएंगे उनसे भी मुलाकात होगी उनकी, तो सभी पार्टियों को एकजुट करने में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं। देखिए, अभी तो लोकसभा के चुनाव कोई ऐलान नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का कि नहीं लड़ेंगे ये तो समय आने पर मिलने को, लेकिन इतनी बात जरूर है कि कई राज्यों से, अब उत्तर प्रदेश में याद है फूलपुर की बात आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को अम्बेडकर नगर से भी, मुख्यमंत्री जी को मिर्जापुर से भी चुनाव लड़ने के का वहां के कार्यकर्ताओं की मांग है, लेकिन अब वो तो जब चुनाव होगा तब वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे, ये तो उस समय निर्णय होगा। राजनीतिक गलियारों के इन कयासों को समझने के लिए जरूरी है ये जानना कि फूलपुर सीट इतनी अहम क्यों है। आइए हम आपको बताते हैं फूलपुर सीट क्यों रही है हाई प्रोफाइल। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का संसदीय क्षेत्र रहा है फूलपुर। 1952 में पहली बार नेहरू सांसद चुने गए। 1996 से 2004 तक समाजवादी पार्टी का कब्जा इस सीट पर रहा। 2009 में बीएसपी ने फूलपुर सीट पर जीत हासिल की। 2014 में इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। 2018 के उपचुनाव में सपा ने इस सीट पर फिर से जीत दर्ज की। सपा के नागेंद्र प्रताप सिंह यहां से सांसद बने। फूलपुर सीट से चुनाव लड़कर नीतीश कुमार एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश करेंगे। यहां से चुनावी समर में कूदने का दाव नीतीश कुमार और उनकी टीम की सियासी रणनीति का वो हिस्सा है जिसके जरिए वो विपक्ष को एकजुट करने के साथ ही बीजेपी को घेरने का काम भी करेंगे। नीतीश कुमार को ये अच्छे से पता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। बीजेपी को चुनौती देने के लिए एकजुट हो रहे विपक्ष के बड़े नेता के रूप में उभर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने का न्योता खुद उनकी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने दिया है। खबर तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी नीतीश को राज्य में अपनी पसंद की किसी भी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया। हालांकि बीजेपी फिलहाल इस बात को बेहद हल्के में ले रही है। बीजेपी के नेता नवल किशोर यादव ने कहा कि ये सब सिर्फ हवाबाजी है। अखिलेश तो अपना सीट हार गए उत्तर प्रदेश में, वो तो फूल के फेरा में पड़ रहे हैं, यही फूल के फेरा में पड़ गए हैं क्या? अच्छा, मैं बार बार कहता हूँ कि बुझा हुआ दीपक 10 को भी एक साथ हो जाए तो वो भाइपर और पेट्रोमैक्स की तरह रोशनी नहीं कर सकता है। तो अखिलेश यादव तो अभी अपना पैटर्नल सीट हार गए हैं, जहां जहां उनके पार्टी का भी पैटर्नल सीट था वह भी हार गए। इनको भी ले जाएंगे, इनको बिहार में तो जानते हैं नीतीश जी भी कि जहां से लड़ेंगे हारिए जाएंगे, तो इधर उधर अपना उत्तलाश कर रहे होंगे, लेकिन वहां भी फंसना ही है गाड़ी। उत्तर प्रदेश में है, इनका जन्म बोलते हैं बिहार के हैं, ये बात आई कैसे? ये नहीं, ये लोगों को भ्रम दे रहे हैं अपने आप को इंटरनेशनल नेता बनाने में, चूंकि सबको जानता है कि ये तो क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और क्षेत्रीय पार्टी है, तो ये अपने आप को इंटरनेशनल बताने के लिए सोचते हैं और इनके चट्टे बट्टे लोग बताते हैं। गेलन फूलपुर तो फूले में फंस गई हैं, ये फूल से निकली है ना, इसलिए ये लोग यूं ही भ्रम पैदा करते रहते हैं। 100 वाट के बॉल में अगर वोल्टेज 200 वाट के दे दीजिएगा तो फिलामेंट उड़ जाता है, वही स्थिति हो गई है।
अगर नीतीश कुमार फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो उनकी दावेदारी से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दरअसल फूलपुर पटेल कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है, जिससे पूर्वांचल का चुनावी समीकरण बदल भी सकता है। बता दें कि फूलपुर में अब तक हुए लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में 8 बार पटेल कुर्मी कैंडिडेट को ही जीत मिली है। एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ यूपी में महागठबंधन की मोर्चाबंदी कर उसे हराने की कोशिश जरूर कुछ आसान हो सकती है।